ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नेटिक। मित्रों, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आजकल हम विभिन्न किस्म की मालाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ मालाएं चमत्कारिक होती हैं, कुछ औषधीय गुणों से युक्त होती हैं, कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग की होती हैं और कुछ मालाएँ केवल आभूषण के रूप में प्रयोग की जाती हैं। आज एक हम विचित्र किस्म की माला के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको कि हम बहुत प्रेम से पहनते हैं, बहुत प्रेम से धारण करते हैं, लेकिन उसके गुणों से परिचित नहीं है, उसको केवल आभूषण के तौर पर ही हम धारण करते हैं। आज बात करते हैं हम सोने की माला के बारे में। सोना एक धातु एवं तत्व है। शुद्ध सोना चमकदार पीले रंग का होता है, जो कि बहुत ही आकर्षक रंग है। सोना मूल्यवान वस्तु है। प्राचीन काल से इसका प्रयोग सिक्के व आभूषण बनाने व धन संग्रह के लिए किया जाता है। सोना घना, मुलायम, चमकदार, सर्वाधिक संपीड्य एवं तन्य धातु है। यह एक अंतःवर्ती धातु है। अधिकांश रसायन इसमें कोई क्रिया नहीं करते। चरक संहिता में ईसा से 300 वर्ष पूर्व स्वर्ण तथा उसकी भस्म का औषधि के रूप में वर्णन आया है। दुनिया भर में उत्पादित सोने की खपत गहने में लगभग 50%, निवेश में 40% और उद्योगों में लगभग 10% है। सोने को मुख्यतः धन संग्रह ही माना जाता है, परंतु सोने के अंदर औषधीय गुणों के अतिरिक्त कुछ अन्य गुण भी होते हैं। सोने की माला धारण करने से व्यक्तित्व प्रकाशित होता है। सोना बृहस्पति ग्रह को आकर्षित करता है और व्यक्ति को यश, कीर्ति और सम्मान दिलाता है। सोने की माला खून के दौरान को तेज करती है और स्फूर्ति दिलाती है। सोना शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को भी कम करता है। शुक्राणुओं की कमी का कारण शुक्र की अशुद्धता होती है। सोने की माला धारण करने से शुक्राणुओं की कमी दूर होती है। तो मित्रों, सोने की माला अधिकांश लोग पहनते हैं। सोने की मटर माला की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, सोने के गठित हार की बात नहीं कर रहे हैं। सोने की जो मटर माला होती है, उसका प्रयोग विभिन्न तरीके की क्रियाओं में भी किया जाता है। मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।